रूप नक्श से खूबसूरत बहुरिया प्रीति मरवा दिलक। पति को लगाया ठिकाना, अब जाएगी जेल एसपी। नमस्कार, मैं श्रद्धा छेत्री आप सबका स्वागत करती हूँ कोहराम लाइव पर। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग मानी जाती है, पर जब प्यार का खुमार चढ़ता है तो उसका अंत कभी कभी कितना खतरनाक होता है, ये देखना और सुनना हो तो झांक लीजिए इस दुखियारी आशापति देवी के घर के आंगन को। उस माँ के मुख से सिर्फ इतना निकला कि अब तक सिर्फ टीवी और फिल्म में देखा और सुना करती थी, पर आज यकीन हो गया अपनी बहुरिया के लक्षण को देखकर। जब प्रीति का प्यार खुमार चढ़ा तो उसने उसे ही मिटा डाला जिसने उसका हाथ थामे अपने आंगन में लाया था और 7 वजन निभाने का वादा किया। तफ्तीश के बाद पुलिस भी प्रीति को गुनहगार मानती है। शायद यही वजह है कि कोर्ट ने उसके बेल पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। आइए जानते हैं कैसे बुझा इस घर का इकलौता चिराग। हमर से बातचीत रह कर और उकर बहुरिया खाना खाए कहला तो हमरे से बातचीत करे लागल, तो उकर बहुरिया जबरदस्ती हाथ धर के ले के खियालक। हमर से बात करत रहे कार्तिक से के जबरई ले गेलै और सोना चांदी किन किन मालय लुगा किन मालय और संगे होटल ने खा लय और आय के बारू डहर ने 8:30 बजे मधु खा लय है। देखिए वो हमर बेटा था, हमर बेटा के लेके मरवा देला। प्रीति महावीर साहब के बेटी मरवा देला, आगू तर खड़ा हो के मरवा देला। सूरज अमावस का रात था, शनिवार का दिन था, 4:30 बजे तक पानी आया हुआ था। उस जगह साफ सफाई किया, पानी उन्हीं को सब नाली निकाल के पानी को बहा हुआ के सब साफ किया। उसके बाद घर चलाया तो पुतो बोली कि अभी तक आप कहाँ थे, तो ना हम दुर्गा मंदिर में थे, तो आपको हम क्या बोले थे, रांची जाने के लिए ना आपको बोले थे, तो ना रांची आज नहीं जाएंगे, छोड़ो आप कल जाएंगे, आज रहने दो कल जाएंगे, तो आपको बोलते हैं तो आप बोलते हैं कल जाएंगे परसों जाएंगे, आप चलिए जल्दी निकलिए, नहीं नहीं छोड़ दीजिए आज नहीं जाएंगे। ये रवैया सिर्फ उसी दिन था या पहले भी ऐसा उनका रवैया उनकी पत्नी का रहता था? ना उसी रोज ज्यादा हो गया था, बाद में भी होता था, जाती आती थी, लेकिन वैसा ना कभी तो जाती थी तो 9 बजे, कभी 8 बजे, कभी 10 बजे रात को आया करती थी। जाने के लिए इनकार कर दिया, लेकिन बात जबरदस्त उसको कोई ढकेल के लेकिन जैसा लाइए गाड़ी हमारा लड़का लेकर के आया, बैंगन आर लेकर के आया। उसमें फिर सोचा कि दोनों बच्ची को भी ले जाएंगे, तो ये बोल रही कि बच्ची उच्ची को नहीं ले जाएंगे, इन लोग का नापी है ही है, शाम को जा रहे हैं, हमको काम है, तुरंत आएंगे, बच्ची को कहे ले करके जाएंगे। बच्ची दोनों भी हमारा दोनों नतनी घर में रह गई और दोनों पर हमारा पुतौ और हमारा ये कार्तिक चला गया रांची। रांची में वो फोन से बुला लिया जिसके साथ उसका था बिट्टू के साथ, और एक ठो ये है आपका विशाल पांडे और एक ठो और है कर्रा का, वो उसका भी नाम है कार्तिक प्रजापति, वो भी है, वो तीनों को बुला लिया। आगे ही से इस रोकर का सेटिंग था, जब कांटे पार हमारा लड़का हो गया तो बोला कि ना हमको गाड़ी दे दीजिए, तो गाड़ी तो हाँ गाड़ी दे दीजिए ना, हम ही चला के जाएंगे, अब तो इधर रोड सन्नाटा है, उधर भीड़ भड़ाका मैंने चलाएं तो इधर हम चलाएंगे। गाड़ी हमारा लड़का सीधा था, दे दिया ड्राइवरी करने के लिए। बाढ़ू के आसपास आई 8:10 में गाड़ी का, तब तक उन लोग पीछा करके पहुंच चुका। गाड़ी रोकने के बाद खोला, उन लोग चलाया, खोल के उतारा, ले जा करके उसको फिर मारना शुरू कर दिया। अब पुतो देख रही है मरवाई है। लोधमा में हमारा पुतो का ननिहाल भी है, वहाँ जाती आती थी, और जो एक बिट्टू नाम का लड़का है उसको अंकित केसरी कहते हैं, उसी के साथ में पढ़ती लिखती थी, लेकिन इस सब मामला में हम लोग को जानकारी नहीं था। तो 3-4 मरतबा आया तो उसका माँ है, ये हमारा जो परिवार है कार्तिक का माँ, वो तो लखने नहीं सकी कि भाई है, आ जा रहा है, गांव का है, रिश्ता है, आएगा तो संबंध का है, तो उसको तो चाय है नाश्ता है देवे नहीं करेगा। ये ख्याल से वो नाश्ता पानी करता था, धरता था, गप सड़ाका करता था मोबाइल में, पूरा अपना बातचीत करके अपना जो होना था सो कर धर के वो चला जाता था। यही सिलसिला में 3-4-5 मरतबा वो आया, वो तो हमारी फ़ोन की कि एक्सीडेंट कर गया कार्तिक, गाड़ी बचनोई का पापा का गाड़ी एक्सीडेंट कर गया, गाड़ी मार के भाग गया, तो यहाँ से दुर्गा मंदिर में जो लड़का लोग था उन लोग यहाँ से चला गया कि बाढ़ू कितना दूर है, चलो तो देखिए कैसा कार्तिक को लगा है नहीं लगा है, कौन गाड़ी मारा है नहीं मारा है, कह के वहाँ तहकीकात करने के लिए चला गया, तो देख रहा है कार्तिक तो वहाँ कुछ है ही नहीं। पहली बार हमको तो ठग के रख रहा है, रात भर हम वो कह रहा है कि नहीं ज़्यादा चोट नहीं है, कार्तिक बोल चाल कर रहा है बढ़िया है, जब फजीरे हुआ तो भड़क लग गया कि नहीं लड़का का तो ऐसा हो गया, लड़का एक्सपायर कर गया मर गया। सीसी कैमरा लगा हुआ था ना, उसी के थ्रू से पता लगा, कोई आकर के बोल रहा कि नहीं ऐसा बात है, इसका पुतो मरवाई है,
ये मरवाई है, मोबाइल से ये करवा करके बुला करके इसको मरवाई है। जांच पड़ताल कुछ दिन के बाद से हम किए, थाना का आए हुए थे, हमसे पूरा रिपोर्ट लिए, तो उसके बाद ये पता चला। तो फिर पुतो 1.5-2 महीने तक घर में थी, उससे भी हम बहुत बातचीत किए, तो उस समय भी बोलती थी कि नहीं हम नहीं मरवाए हैं, साफ इनकार कर रहे थे कि नहीं हम नहीं मरवाए हैं। जिस रोज दाह संस्कार कार्तिक का था, उस रोज भी वो आया था, दाह संस्कार में घाट भी गया था जलाने के लिए, लेकिन हम समझने नहीं सके कि यही मरवाया है। शादी का 13 साल हो चुका था, 13-14 साल के बावजूद किया है। वहाँ गाड़ी में कोई और था उन दोनों के अलावा? ना, और कोई नहीं था। तो ये पूरी जो वार्तालाप, जो बातचीत है, वो आपको कैसे पता चली कि इन लोग जो अंकित केसरी है जो बयान दिया है, और विशाल पांडे जो बयान दिया है कोर्ट में, उसी के माध्यम से हमको पता चला। अंकित केसरी का कहना है कि न इसी के कहने से हम मारे हैं, यही हमको मरवाई है, इसी का कहने से हम मारे हैं। चश्मदीद वाला जो बात है, जो दीपक लिंडा से अंकित केसरी मोबाइल ले लिया था, अपना मोबाइल से उससे फ़ोन नहीं कर रहा था, उसका ड्राइवर का मोबाइल से फ़ोन कर रहा था, कि रांची से बाढ़ू आते तक कम से कम तो 20-25 मरतबा फ़ोन में बात हुआ, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, करते 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 8:20 में बाढ़ू ठोकर के पास ही काम करवाई। ये दीपक लिंडे का बयान है कोर्ट में। अंकित केसरी था, विशाल पांडे था, ड्राइवर था, 3 और 1 था 4 जो कि 1 ने पकड़ाया, 4 था। कार्तिक का जो ससुर लगते हैं वो पूंजीपति वाला आदमी है, और हमारा उतना पहुंच नहीं है, उतना हम दौड़ने भी नहीं सकेंगे कि हमारा न्याय चाहिए। हम देखिए अब कांके थाना भी गए, बड़ा बाबू से मिले, तो बड़ा बाबू बोलते हैं कि देखिए केस आपका बहू मरवाई है और केस आपका बहुए कर दी है, इसमें थोड़ा लेट होगा, कोर्ट से हम लोग का आदेश होगा, कोर्ट से उसका नोटिस जाएगा, वारंट जाएगा, तब ना हम लोग उसको अरेस्ट करेंगे। कह के हमको संतवाना दे दे करके काके का बड़ा बाबू 2-2 मरतबा हम गए तो बोल कर हमको भेज दिए। ग्रामीण एसपी के पास भी गए, वहाँ भी पूरा दे दिए जो भी देना था। हम भाई के साथ में गए, वहाँ भी दे दिए, वो भी पूरा कागजात ले लिए, बोले ठीक है हम पता लगाएंगे, उसको अरेस्ट करवाएंगे, कह के वो भी हमको आश्वासन दिए हैं। विशाल कुमार पांडे और अंकित कुमार केसरी को साक्ष्य मिलने के आधार पर उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, और उन्हीं लोगों के एक वालिया बयान में ये बात आई थी कि प्रीति केसरी स्वयं उस केस में इन्वॉल्व थी, उनका हत्या कराने में उनका विशेष रोल अदा था। जांच में ये उनके विरुद्ध में भी एविडेंस आया है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी तय है। वहीं पुलिस फाइल में गुनहगार ठहराई गई प्रीति ने कैमरा के सामने आने से इनकार कर दिया। उसके पिता महावीर ने उसे निर्दोष बताया है। कोहराम लाइव के लिए नंदनी, रूपम और आरती के साथ कैमरामैन धीरज की रिपोर्ट।